हेलो गाइस गाय इस बाजेक्शन का अगला बार इसमें करने वाली हूँ तो लास्ट वक्त में हमने देखा था कि ईबो जैन को रूम में ले आता है और वो जैन को बेड पर गिरा देता है और उसने जब अपनी शर्ट पहले से फेंक दी थी हटा कर मतलब ईबो शर्टलेस था और अब हम आगे देखते हैं जैन ईबू को देखता है जैन इतना डरा हुआ होता है ज़ैन को कह तुम क्या कर रहे हो तो जैन जब अपने को बेड पर घसीटते हुए पीछे जा रहा था तो ईबो जो बेड पर चढ़ जाता है और घुटनों के पल और हाथों के पल जैन के पास जा रहा होता है चढ़ कर जैन ईबो को देखता है और इो जो जैन की बॉडी पर जैन की बॉडी को स्मायल कर कर करके जो फिर जैन की टमी पर अपना फेस रखता है और ज़ैन की बॉडी को स्म्माल करते करते अपना फ़ेस जो जैन की चेस्ट पर ले आता है और फिर जैन की नेक पर और उसी तरह इस्माइल कर रहा था उसकी बॉडी को और फिर वो जो जैन की फेस पर आ जाता है और एक लम्बी सी लिक करता है मतलब उसके फेस को चाटता है और एक ज़ोर से सकून से सांस लेता है और होता है आज मेरा सपना सच होने वाला है मेरा हीरो साउ जैन आज की रात मेरे पास रहेगा मैं आज इसको इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ और इसने मुझे अलाउ भी कर दिया कि मैं टॉप हो सकता हूँ <laughs> कितना खुश हूँ मैं आज ईबो ऐसा बोता है और जैन एबो को देखता है जैन बोलता है एवो मैंने तुम्हें अलाउ नहीं किया है ओके तो ई बोलता है तुमने किया जब मैंने तुम्हें बोला तुम करोगे या मैं करूँ तो तुमने कहा कि मैं नहीं करूँगा तो इससे मुझे मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम करो तो जैन बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जैन तो ईवो जैन के लिप पर फिंगर रखता है और बोलता है आज की रात मेरी है तो मैं तुमने मुझे चौबीस घंटे दिए थे और इन चौबीस घंटों में अब ग्यारह घंटे रह गए जो ग्यारह घंटों में भी तुमने आधा घंटा मेरा वेस्ट कर दिया फ़ाइटिंग करते करते तो अब ये ग्यारह अब ये दस घंटे और ये आधा घंटा मेरा है मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता तो जैन एवो को देखता है और एबो से जैन के बहुत गरीब था एबो फिर जैन की को किस करने लग जाता है और जैन को जो बेड पर लेटा हुआ था उसने अपना फेस ऊपर की तरफ किया था और ये वो जो जैन की ने को बहुत आराम से किस करता है और फिर वो जो जैन की शर्ट के बटन खोल रहा था जैन परेशान था कि मैं क्या करूँ और जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर वो जिस शर्ट को बिल्कुल जैन की चेज से हटा देता है जैन की चेज़ की ने बॉडी सामने से निकेट कर देता है जैन के ऊपर बैठ जाता है जैन की चेहरे बोरी से शहर को इधर उधर कर देता है जैन की बॉडी नहीं निकलती तो फिर इबो जैन की बॉडी देखता है और जैन की बॉडी पर हाथ फैलाता है जैन ईबो को देखता है जैन बोलता है मतलब तुम जितने तुम्हारे दस घंटे रह गए हैं तो मेरे साथ ये सब कुछ करोगे तो ईबो सर हिलाता है और है, तो बोता है तो जैन बोलता है ईबो क्या यह सब करके तुम मेरे दिल में अपनी भी प्यार डालोगे मुझे दर्द देकर तो ईबो बोलता है हाँ देखना मुझे यकीन है तुम्हें तो मुझसे प्यार होगा तो जैन ईबो को देखता है और बोलता है तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम तो मुझे वो दर्द दोगे और मैं तुमसे फिर प्यार करूँगा तो ईबो बोलता है वो तो तुम देखो ना कि मैं आगे तुम्हारे साथ करता क्या तो जैन बोलता है अगर वो सब करके तुमने ही मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर क्या करूँगा तो ईबो बोलता है ज़ैन को देखता है और बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा जहन बोलता है तुम तभी मुझसे प्यार कर रहे हो क्योंकि मैं एक बहुत फेमस एक्टर हूँ तो वो स्मार करता है ईबो बोता है मैं तुमसे तभी प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो मुझे तुमसे प्यार है तुम्हारे एक्टर होने से प्यार नहीं है और न तुम्हारे फेमस होने से और ना तुम्हारे इतने अमीर होने से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ जैन ईबो की आंखों में देख सकता था इबो सच बोल रहा था जैन जो इबो की आंखों को देखता है तो जैन उसको झूठा नहीं बोल सकता था तो फिर इबो जो जैन की चेस पर बहुत प्यार से किस करता है और फिर जैन की बॉडी को जैन की चेस को लिक करता है जब वो लिक करता है और फिर जब वो शक करने लग जाता है जैन की चेस वो तो जैन की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है जैन जब आँखें बंद करके एक प्यारे से इस्मा देता है क्योंकि जैन तो वो फीलिंग बहुत डिफरेंट लगती है बहुत प्यारी इबो जैन कुछ अलग सा ही फील करता है और फिर जैन और फिर इबो जो जैन के एक चेस को बहुत प्यार से पिंच करता है रब करता है और दूसरे चेस को ले करता है बहुत प्यार से सक करता है सॉफ्टली सॉफ्टली बाइट करता है और फिर जैन जो उस फीलिंग को फील करता है इबो जितनी बार लिख कर रहा था ऐसा कर रहा था ज़ैन की बोरी उतनी ही वाइब्रेट हो रही थी और ज़ैन को जो बहुत अच्छा लग रहा था ज़ैन बहुत इंजॉय करता है एबो फिर धीरे धीरे जैन की निक पर आ जाता है जैन की निक को सक करता है किस करता है जैन जो अपनी आँखें खोता है और इबो को अपने से दूर करता है और बोलता है एबो ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है ये रूल्स के ख़िलाफ़ है एक लड़का एक लड़के के साथ नहीं रह सकता है एबो बोलता है ये रूल पहले ही ये रूल पहले से ही तोड़ दिया है लोगों ने तो अब मैं भी तोड़ने वाला हूँ तुम्हारे साथ इबो ऐसा होकर जैन के उन्हीं हाथों को पकड़ लेता है जिस हाथों से जैन ईबो को पुश कर रहा था एबो जैन के उसी हाथों को पकड़ लेता है और जैन की उंगलियों में अपनी उंगलियाँ डालकर टाइट करके जैन के हाथों को पकड़ लेता है जैन कर, के जैन, के लेता है। जैन, उन, जैन उस हाथ को देखता है जिस तरह इबो ने उसके हाथों पकड़ के बंद किया फिंगर्स में फिंगर डाल के टाइट करके पकड़ लिया जैन हमेशा ये सीन खिलों में देखता था तो जैन को हॉटनेस फील होती है और इबो जो जैन नेक को सब किया जा रहा था किस किया जा रहा था फिर इबो जैन नेक को छोड़ देता है और ज़ैन को देखता है ज़ैन इबो को देखता है और जैन इबो को देखता है इबू की आंखों को देखता है इबो की आंखें जो बिल्कुल अनकंट्रोल नशे से भरी हुई थी वो बस जैसे आज जैन को बहुत प्यार करना चाहता है जैन ये देख रहा था ज़ैन ईबो को सॉफ्टली कहता है बहुत प्यार से कि इवो ऐसा मत करो ये ठीक नहीं है तो इवो स्मायल करता है बोलता है मुझे चांस देख कर देखो तुम तो बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करोगे तुम्हें यही गम है तुम्हें यही टेंशन है ना, कि दो लड़के एक दूसरे को सेटिसफाई नहीं कर सकते मैं तुम्हें बताता हूँ ना कर सकते हैं तुम बिल्कुल भी मेरे साथ अनकम्फर्टेबल फ़ील नहीं करोगे जैन जैन ईबो को देखता है एबो बहुत यकीन के साथ ऐसा कह रहा था जो जैन ऐबो के उस आँखों को देखता है तो जैन जो आगे कुछ नहीं कहता है और फिर एबो जो जैन के लिप को किस करने लग जाता है जैन जो अपनी आँखें बंद कर देता है वो पहले कुछ अजीब सा फील करता है एक लड़का उसको किस कर रहा है उसको अजीब सा लगता है बट फिर वही लड़का जो उसकी टंग को सक करने लग जाता है क्योंकि ईबो ने उसके मुँह में अपनी टंग डाल दी थी और इसी टंग को सक कर रहा था तो जैन कि पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी और जहन यही सोच रहा था ये मुझसे इसको मुझसे गिन नहीं आ रही है तो ये मेरे ही टंग को सक किया जा रहा है क्या इसको गंदा नहीं लग रहा है मेरे मेरे मुंह का सलावा इसके मुंह में जा रहा है जहन यही सोच रहा था जहन फिर किसके दौरान है अपनी आँखें खोलता है और वह ईबो को अपने हाथ करीब देखता है ईबो ने अपनी आँखें बंद की थी और वह जहन को किस किया जा रहा था और फिर ईबो जो अपने हाथ धीरे धीरे दिर जहन की पैंट पर ले जाता है जैन की पेंट खोलता है जैन शौक में था जैन इवो से इवो के लिप से अपने लिए बटा देता है और इवो को बोलता है नहीं ऐसा मत करो तो इवो जैन को बोलता है तो जैन बोलता है इवो नहीं इवो नहीं रियो, ये नहीं तो जैन जैसा बोल रहा था और इवो जो जैन की एक भी नहीं सुनता है वो जैन की पेंट को नीचे कर देता है और जैन के जो फाइव पार्ट था वो निकेट हो जाता है अगर ये वो जो जैन की बोरी पर अपनी बोरी रफ करते करते और जैन की नेक को किस करते करते नीचे आ रहा था एगो भी जैन की चेहरे से किस करता है धीरे धीरे नीचे आता है टमी को किस करता है नीचे आता है अगर ये वो जहन की के अंदर अपनी टंग डालता है और गो घो फिर आता है जैन अपनी आंखें बंद कर देता है जैन की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है जैन अनकंट्रोल होने लगता है एगो जैन की बॉडी देखता है और जैन जो अनकट्रोल हो रहा था तो जहन जल्दी से अपनी प्रावेट पार्ट पर हाथ रख देता है क्योंकि वो उसका शेप बदल रहा था तो ई वो तो जैन को बहुत बुरा लग रहा था कि किसी लड़के के कि सामने मैं ऐसा ऑन कंट्रोल हो रहा हूँ वो कितना वो कैसा फील कर दिया कि जैन कितना शेमलेस है बट ईबो तो ऐसा नहीं सोच रहा था इबो तो स्माइल कर रहा था फिर वो जैन के हाथों को हटाता है उसे प्रावेट पार्ट से और फिर वो जब लव मै करने लग जाता है और जब वो लव में करने लग जाता है जैन शौक में था जैन ईबो का फेस हटाता है दूर करता है तो ईबो जैन के दोनों हाथों को अपने फेस से हटा देता है जैन का लव मे करता है बहुत प्यार से जैन बेड शीट को पकड़ लेता है टाइट करके, और ये वो जो जो से सांसें ले रहा था पहली बार ही वो के साथ कोई लव मे कर रहा था वो अपनी आँखें बंद करता है सांसें लेता है स्माइल करता है और सेक्सी सख्ती आवाजें निकालता है अब एवो जो जैन के साथ फांसे लव करने लग जाता है तो जैन जो और जोज़ों से जो सांसें लेने लग जाता है सक्सी सकती आवाजें निकालता है तो एबो जो जैन को देख रहा था जैन जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था जैन बहुत इंजॉय कर रहा था तो ईवो जैन को देख रहा था अब है ईवो समझ जाता है कि जैन अब सेटिस्फाई होने वाला है तो एबो अपनी पेंट हटाने लग जाता है एवो जहन के जहन के साथ लव मेक भी कर रहा था और जैन से और अपनी पेंट भी हटा देता है अब ईवो उस जैन की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और ज़ैन दूसरी तरह से आवाज़ निकाल रहा था ज़ैन को कुछ नहीं है पता कि वो मेरे साथ आगे क्या करने वाला है और इसी में जैन वो जैन को देख रहा था जैन जो जो जोर से सांसें ले रहा था सेक्स से आवाज़ निकाल रहा था और इसी में हमारा सीन कट हो जाता है हमारा सीन कट हो गया अब हमें सुबह का सीन दिखाया अब हमें सुबह का सीन दिखाते हैं सुबह हो गई जैन तो जो वाशरूम जाना था तो जैन अपनी आँखें खोलता है जैन अपनी आँखें खोता है तो जैन पहली बार जब सुबह उठता है तो उसके सामने एक इतना ब्यूटीफुल इतना हैंडसम लड़का जो सोया था वो ब्यूटीफुल लड़का और कोई नहीं ईबो था तो जैन ईबो को देखते हैं जैन को सब कुछ याद आ जाता है कि रात को इसने मेरे साथ क्या किया तो जैन ईबो को देख रहा था आखिर जैन जो फिर एक स्माइल करता है एक ब्यूटीफुल सी स्माइल देता है एबो को देख और आफि जैन जो इबो के फेस पर हाथ हिलाता है एबो के फैस से बालों को हटाता है और एबो के बालों को पीछे करता है और जैन एक ब्यूटीफुल से सुनार देता है और इबो के पॉलियर पर किस करता है एबो के बालों को उसके पैसे हटाता है और सुनार करता है और फिर हमें दिखाते हैं आखिर रात को हुआ क्या था लव में के बाद आखिर क्या हुआ था तो ईबो जो जैन के साथ लव नहीं कर रहा था और ईबो जो अपनी पेंट भी उतार रहा था उसने अपने ड्रॉज़र बिल्कुल हटा दी थी और जैन को इस बारे में पता नहीं था क्योंकि जैन तो सक्सी सकती आवाज़ निकाल रहा था उसने अपनी आँखें बंद की थी वो लव में क्योंकि वो के लव नहीं कर रहा था तो वो इन्जॉय कर रहा था ज़ैन को पता नहीं था तो इबो एक जोर से चीख मारता है तो जैन अपनी आँखें को है देखता है जैन जो देख कर शौकन होता है और जैन बोलता है ईबो तो इबो जो उसके ऊपर था और इबो जो जैन के साथ इटमैठ हो गया था इबो जैन के ऊपर बैठ गया था उसने जेन को बॉटम नहीं बनाया उसने अपने आप को बॉटम बनाया और जैन इबो को देखकर शौक़ में था क्योंकि इबो बहुत तकलीफ़ में था कि इबो जैन के ऊपर था इबो ने अपना फेस ऊपर किया था और उसने उसका फेस दर्द से रेड हो गया था और वो एक ज़ोर से सांस लेता है और फिर जैन जो इबो को देख रहा था ज़हन बोलता है इबो सब मत करो तुम्हें दर्द हो रहा है हट जाओ तो इबो अपना फेस नीचे करता है पसमार करता है अब होता है तुम्हारे लिए ये दर्द भी बर्दाश्त कर लूँगा तो जहन ये सुनकर शौक़ में था क्योंकि वो देख रहा था कि ईबो को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और इबो कुछ बोल नहीं रहा है एबो जो अपने आप अप डाउन करता है और उसके फेस में बहुत दर्द होता है वो बहुत तकलीफ़ में होता है जहन देख रहा था तो ईबो जो इतनी तकलीफ़ में था वो एक ज़ोर से चीख मार कर वो एक ज़ोर से सांस लेता है उसका फेस ऊपर की तरफ होता है और उसका फ़ेस बिल्कुल रेड हो गया होता है फिर ज़ैन देखता है कि इबू ने अपने आप को ही बॉटम बना दिया था और ज़ैन के साथ वो इंटमेट हो गया था और ज़ैन के ऊपर बैठ गया था और उसने अपने आप को ही बॉटम बनाया जैन को टॉप बना दिया था फिर वो ज़ैन को डरा रहा था तो जैन ये देखकर शौक़ में था फिर इबू अपने आप को अप डाउन कर रहा था और इबू बहुत तकलीफ़ में था इबू का फ़ेस बहुत रेड हो गया था इबू की आंखों से आंसू बह रहे थे इबू ने अपने आप को बहुत टाइट करके कंट्रोल में किया था और ज़ैन जो ईबो को देख रहा था जैन को बोलता है ईबो मत करो तुम्हें दर्द हो रहा है तो जैन तो ईबो जैन को देखता है और स्मार करता है और बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी चलेगा तो जैन ये सुनकर बिल्कुल शौक़ में था कि एक लड़का एक लड़के को इतना कैसे प्यार कर सकता है जैन नहीं शौक़ में था और ईबो जो अपने आप को अप डाउन कर रहा था ज़ैन को बहुत अच्छा लग रहा था बहुत मज़ा आ रहा था ज़ैन को और वह इंजॉय कर रहा था ये वो तकलीफ़ में था तो ये वो अप डाउन फास्ट नहीं कर पा रहा था तो ज़ैन को जो अब फास्टली करना था तो जैन अब अनकंट्रोल जो हो गया है तो फिर जैन जो अचानक से इबो को पुश कर देता है और इबो को नीचे और ख़ुद ही ऐबो के ऊपर और इबो के दोनों टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और इबू के साथ इंटीमेट होने लगता है एबो को पुश करने लगता है अब ईबो जो नीचे था तो इबो को अब इतनी तकलीफ़ नहीं होती है इबो एक दूर से साँस लेता है और इबो जो बेड शीट को टाइट करके पकड़ लेता है और जैन जो इबो को पुश किया जा रहा था तो जैन जब एक्साइटेड में इबो को किस कर देता है अब ये जैन की पहली किस्त थी जब वो ईबो को पैर रहा था तो ईबो जितनी तकलीफ में था वो देखता है कि ईबो एक भाई जाओ अरे ईबो जो इतनी तकलीफ़ में था तो ई देखता है एबो देखता है कि जहन मुझे किस कर रहा है तो ई बो इतने शौक में हो गया और ज़ैन जो उसको किस कर रहा था तो ई भी फिर बेड शीट पर छोड़ देता है और अपने हाथ जहन के बैग पर ले आता है और किस कर रहा था इधर एक दूसरे का किस भी कर रहे थे और ज़ैन जो कुछ भी कर रहा था और एबो जो खुश भी था बट इबो को पेन भी हो रहा था तो इसी तरह जो जैन बहुत फास्टली हो जाता है क्योंकि जैन का पहली बार था जो किसी के साथ इंटरमेट हो रहा था तो जैन जो बहुत इंजॉय कर रहा था अफजैन अफेज़ैन जैसे ही सटिस्फाई हो रहा था तो इबो को अपनी एक बार एक कस की किस्ते देता है और सटिस्फाई हो जाता है अफजैन को जो फीलिंग इतनी अच्छी लगती है जैन पर हंसता है अफजैन जब नंकिक होता है देखता है तो सामने इबो था एबो से शौकिंग नजर से देख रहा था इबो बताए तुम हंस क्यों रहे हो तो जैन बताए क्योंकि मैंने पहली बार ये फीलिंग फील की तो इबो जो जैन को देखता है होता है फिर ईबो तो फिर जैन देखता है कि उसकी टमी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई है <laughs> तो जैन बोता है कि क्या है तो ईबो बोता है शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी एक लड़का ही हूँ मैं तुमसे पहले से रिसाई हो गया था तो जैन ये देख के शौक पे था अभी जैन जो इबो से हट जाता है और ईबो जो वो टिश्यू पेपर उठाता है और क्लीन करता है जैन बोता है मैं क्लीन कर दूंगा तो ईबो पोता है नहीं nah, मैं करता हूँ अगर इबो जो जहन को क्लीन करता है और फिर अपने आप इबो जो जहन को हक कर लेता है और जैन जो एबो को बोता है इबो जैन जो इबो को देख रहा था इबो जो उसी तरह से ज़ैन को हक कर हक़ किए हुए था और इंदौने की बॉडी जब बैंकेट के अंदर थी बैगो ने इबो ने जहन को बहुत टाइट करके हक़ किया था और जैसे बस उसने जैसे जहन को पकड़े हुए था जैसे जहन कहीं भाग रहा है तो जैन ईबो को बोलता है इबो तुम्हें बहुत दर्द हुआ तो एबो बोलता तो है तो जैन बोलता है जैन बोलता है जब इतना ही दर्द हुआ होता है तो तुमने फिर क्यों किया जब तुम्हें पता था कि इतना दर्द होता है तो तुमने फिर क्यों किया तो एवो बोलता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे नहीं तो पता है कि इतना दर्द होता है तो जहन बोलता है क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो एवो बोलता है तो तुम्हें क्या लगा तो जहन बोलता है मुझे लगा कि तुम ये काफ़ी लड़कों के साथ तो एवो बताए क्या तुम्हें तो लगा मैं तो जैन बोलते नहीं 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 मतलब मेरे ये मतलब नहीं था मुझे लगा जैसे तुम तुमने मुझे किडनैप किया है तुम मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे हो जैसे तुमने काफ़ी लड़कों के साथ तो ईबो बोलते हैं जहन तो भागल हो गए हो क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम पहले हो और तुम ही आखिरी रहोगे ईबो ऐसा बोलकर जैन को हक कर लेता है तो जैन जो ऐबो की ही बात सुनता है तो जैन स्मार करता है और जैन को जैन जो बहुत अच्छा लग रहा था ईबो के साथ इस तरह इंटीमेट होना तो जैन से ईबो को हक हाँ करता है और ईबो को परेर पर किस करता है ईबो देखता है कि उसने मुझे किस किया ईबो स्नाया कहता है और जैन बोलता है तुम मुझसे कब से प्यार करते हो तो ईबो बताए पाँच साल से तो जैन बोलते क्या पाँच साल से और वो कैसे तो ईबो बताए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था तो जैन बोलते तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा था तो इो बताए सीरीज़ में तो जैन है मेरी फर्स्ट सीरीज़ बट उसमें तो मैं बहुत अजीब सा हूँ तो जैन वो है नहीं उसमें तो तुम बहुत हैंडसम हो गोलू मोलू। तो जैन बोलते हैं गोलू मोलू। तो इो बोलते हाँ उसमें तुम बहुत हैंडसम हो अब तुम और भी ज़्यादा हैंडसम हो बट उसमें भी हो तो जहन बोलता है थैंक गॉड जिसने मुझे उससे पहले नहीं देखा नहीं तो ईबो तो बोलता है नहीं मैंने वो भी देखा है कि तुम जब बहुत यंग थे तो कैसे थे अच्छे थे मुझसे तो बेहतर ही थे तो जहन बोलता है मतलब तो ईबो बोलता है क्योंकि मैं जब बहुत यंग था ना तो मैं बहुत अजीब सा था तो जहन बोलता है तुम्हारे पास पिक है तो ईबो बोलता है नहीं है मैंने डिलीट कर दी मैंने वो जला दी क्योंकि वो दिखाने लायक किसी को थी नहीं तो वो मैंने हटा दी तो जहन हंसता है जहन बोलता है हाँ जो पहले अगली होता है ना वो बाद में फिर बहुत हैंडसम होता है ये याद रखना तो ई बो बोलते हैं हाँ तो फिर एवो खुश हो जाता है एवो बोलते क्या मतलब मैं हैंडसम हूँ तो जहन बोलता है हैंडसम और तुम हाँ तो ई वो अपसेट हो जाता है और बोलता है मतलब मैं नहीं हूँ तो जैन स्वयं कहता है बोलता है सिर्फ हैंसम नहीं बहुत हैंडसम हो और ब्यूटीफुल भी हो तो वो ये सुनता है स्वाया कहता है तो जैन फिर इबो की स्मार देखता है तो जैन जो फिर से ईगो के ऊपर आ जाता है और वो ये देखता है तो इो में होता है इबो बता है <laughs> क्या हुआ जैन तो जैन बोलता है कुछ नहीं तो जैन जो फिर एबो के नेक को स्मैल कर रहा था इबो से बहुत बेटीफुल स्मैल आ रही थी तो जैन थोड़े सो किस करता है ईगो के हुआ नेक पर तो एगो जैन को बोलता है जैन मुझे दर्द हो रहा है मेरा फर्स्ट टाइम था ना तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक तो जैन बोलता है हाँ मैंने सुना था फर्स्ट टाइम में दर्द होता है पर सेकेंड टाइम में दर्द नहीं होता है वो फर्स्ट टाइम वाला दर्द हटा देता है तो जहनबो बोलता है क्या तो जैन बोलता है हाँ तो फिर जैन जरीबों के साथ गरीबों को केस करने लग जाता है और इीबो बोलता है नहीं मुझे दर्द हो रहा है प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो जैन बोलता है कहा ना सेकेंड वाला फर्स्ट वाले का दर्द हटा देता है मैं तुम्हारे साथ सेकंड बार इंटीमेट होंगे ना तो जो फर्स्ट टाइम इंटिमेंट हुआ था वो पेन जो तुम्हें हो रहा है ना वो हट जाएगा तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये तुम्हें किसने कहा तो जैन बोता है ऐसा ही होता है मैंने सुना है तो एवो शौक में था और जैन जो इबो को किस के जा रहा था एबो की टांगे वो अलग कर रहा था एक दूसरे से मतलब तो एबू की टांगे खोल रहा था और एवो फिर देखते ही देखते जैन जो फिर एबिमेंट हो जाता है और एवो जो शौक में था और एवो जो फिर एक ज़ोर से चेख मारता है और जैन जब फिर उसके नेक पर कैस करने लग जाता जा है और फिर इसी तरह ये लोग जो फिर से इंटमेट होते हैं जैन जो एबो को सॉरी ऐबो तो जो जैन को बीजे जो पंच मार रहा था कि छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है मुझे और जैन जो बिल्कुल नहीं हट रहा था तो इसी तरह तो तो करते करते ये लोग जो आज ही रात तीन दफ़ा इंटीमेट हो जाते हैं और एबो जो बहुत थक गया था और जैन जो बहुत इंजॉय कर लेता है एबो के साथ उसको बहुत अच्छा लगता है और वो समझ गया होता है कि लड़के के साथ भी रहा जा सकता है और फिर जब वो इतना हैंडसम और इतना ब्यूटीफुल लड़का हो तो फिर तो बात ही और है तो जैन जो बहुत खुश होता है और ई वो जो बहुत थका हुआ होता है और ये लोग सो जाते हैं तो इसमें हमारा प्लेक्जर खत्म होता है जैन जो ईबू को देख रहा था और जैन स्मार करता है एबू को फोन पर किस करता है और बोलता है तो मैं बहुत तकलीफ दी मैंने मुझे माफ़ कर देना और ऐसा बोल कर फिर हमारा सीन कट होता है हमें अगले सीन दिखाते हैं एक घंटे बाद का एक घंटा बीत जाता है ए वो अपनी आँखें खोलता है ए बो उठता है ए बो जैसे उठता है देखता है तो ईबू को जो सब कुछ याद आ गया था मेरे पास जैन था तो वो फिर बैठ में जैन को ढूंढता है जैन नहीं था तो इवो बैठ जाता है और जैसे बैठता है तो वो जोर से आवाज निकालता है आउच इबो को जो बैग में बहुत दर्द हो रहा था तो कहता है और फिर इवो जैन को आवाज़ देता है जैन 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 की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो फिर एक तो इस कौए ने जैन की कोई आवाज नहीं आ रही थी जैन की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो ईबो जो आराम से उठता है और इबो की जो ट्राउज़र नीचे पड़ी हुई थी इबो वो उठा के पहन लेता है जैन पास है। के पास आता है इबो वॉशरूम के पास आता है वॉशरूम में आवाज़ देता है इबो कैसा लगता है इबो कैसा लगता है जैन वॉशरूम में बट वॉशरूम में कोई भी नहीं था एबो कैसा लगता है कि जैन वॉशरूम में है बट वॉशरूम में कोई भी नहीं था तो ई गेट को धिक्का देता है शरूम का गेट खोलता है तो वाशरूम में कोई नहीं था इो घबरा जाता है फिर वो बाहर आता है वो बाहर आता है तो दराज में चाबी ढूंढता है जो मेन गेट की चाबी थी इो नहीं वो चाबी भी नहीं थी फिर वो जाता है मेन गेट देखता है तो मेन गेट से ताला खुला था तो वो देखता है कि गेट खुल गया है मतलब जैन चला गया जैन ने मुझे बताया भी नहीं जैन चला गया एबो ये सोचता है तो इबो जो रोने लग जाता है ये वो घोटना के ऊपर बैठ जाता है और रोने लग जाता है वो बोलता है मुझे लगा वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा बट वो शायद उसको मुझसे प्यार नहीं हुआ शायद उसको मैं अच्छा नहीं लगा बट वो को तो मुझसे प्यार कर रहा था फिर ऐसे कैसे अरे वो यही सोच रहा था और रोए जा रहा था